चलिए गाइस, आज लेकर रहा हूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी वीडियो जिसको हम कहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। तो आज के इस वीडियो के अंदर फुल रोड मैप जो है वो आपको बताने वाला हूं। अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर कंप्लीट डिटेल जानना चाहते हैं, फुल रोड मैप देखना चाहते हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा गाइस। मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल डिजिटल मंजीत। सो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इंटरनेट से पैसा कमाना चाहते हो तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि अगर आप पैसा कमाने के हिसाब से डे वन से जो है तो ये थॉट प्रोसेस के साथ में इंटरनेट पे काम करेंगे तो बिलीव मी, आप इंटरनेट से कुछ भी नहीं कमा सकते। आप एक रुपया नहीं कमा पाएंगे इंटरनेट से अगर आप यही माइंडसेट से आए कि मुझे पैसा कमाना है फ्रॉम डे वन। बेसिकली इंटरनेट से पैसा तभी कमाया जा सकता है जब हम किसी के लिए काम करेंगे। तो इनिशियली जो है हमें कोई भी बेनिफिट नहीं होता, लेकिन लॉन्ग टर्म में देखें तो इंटरनेट फिर भर भर के हमें जो है वो पैसा देता चला जाता है और मल्टीपल इनकम जो हमारे सोर्स हैं वो ओपन होते चले जाते हैं। और उन्हीं ओपन सोर्स में से एक सोर्स है हमारा एफिलिएट मार्केटिंग, जिसका फुल रोड मैप आपको मैं अभी बताने जा रहा हूं। तो ध्यान से देखिएगा वीडियो को गाइस एंड तक, ताकि आपको कंप्लीट एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में पता चल जाए और आप भी जो है मैं इस चैनल के ऊपर में एफिलिएट मार्केटिंग का पूरा कंप्लीट कोर्स जो है, जो टेक्निक्स मैं अपने लिए पर्सनली फॉलो करता हूं, वो सारी चीजें आपको जो है मैं यहां पर भी पूरे कोर्स के दौरान दिखाने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे एफिलिएट मार्केटिंग फुल रोड मैप। सो यहां पर जो भी हमारा रोड मैप होता है बेसिकली, उसके लिए हमें चाहिए होता है यहाँ पे पांच स्टेप। पांच स्टेप क्या है? पहला है आपका एफिलिएट मार्केटिंग के लिए आपके पास ऑडियंस होनी चाहिए। अब ऑडियंस बिल्ड कैसे करेंगे ये भी आज के इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। सेकंड स्टेप होता है ज्वाइन दी एफिलिएट प्रोग्राम्स। अब एफिलिएट प्रोग्राम कैसे ज्वाइन करने हैं तो वो भी हम आज कवरअप करने वाले हैं। थर्ड आता है आपका प्रमोट प्रोडक्ट्स, आपको प्रोडक्ट को कैसे प्रमोट करना है ताकि आपकी सेल जनरेट हो सके, ये भी हम कवरअप करने वाले हैं। फिर आपको जो है गाइड, कौन सी ऐसी गाइडलाइंस है जिसको आपने फॉलो करना है, बिकॉज एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर बहुत ही स्पेसिफिक गाइडलाइंस होती हैं। अगर आप उन गाइडलाइंस को जो है फॉलो नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आपके जो एफिलिएट प्रोग्राम है वो कहीं ना कहीं डिसेबल हो जाता है। फिर पांचवा जो स्टेप होता है बूस्ट योर सेल्स, आप अपनी सेल्स को कैसे बूस्ट कर सकते हैं जो कि स्पेशली फॉर दी एफिलिएट मार्केटिंग होती है। तो चलिए इन्हीं पांच स्टेप्स को डिटेल में समझते हैं। तो पहला अगर बात करें यहाँ पे हाउ टू बिल्ड ऑडियंस, सो बेसिकली ऑडियंस को कैसे बनाएंगे, कैसे बिल्ड करेंगे, तो उसके लिए दो स्टेप्स मैं आपको यहां पर ब्रीफ करने वाला हूं। सो पहला जो स्टेप होता है दैट इज कि आपको अगर ऑडियंस बनानी है तो पहले आपको चाहिए कि एक निश सेलेक्ट करना कि मैं किस तरह के फील्ड में काम करना चाहता हूं। लेट्स से डिजिटल मार्केटिंग में आप काम करना चाहते हैं तो आपकी जो निश होगी वो दैट इज गोइंग टू बी आपकी डिजिटल मार्केटिंग। अब डिजिटल मार्केटिंग क्या आपकी एक निश है, लेकिन उससे भी आपको इंपॉर्टेंट होता है स्पेसिफिक कैटेगरी को सेलेक्ट करना। अब जैसे डिजिटल मार्केटिंग की बात करें तो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज हैं, लाइक आपका एसईओ है, फिर आपके पेड एड्स हैं, फिर आपका जो है सोशल मीडिया मार्केटिंग है, देन इस तरह के आपके मल्टीपल स्ट्रीम्स जो हैं इसके अंदर अवेलेबल है। तो वैसे ही यहां पर आपकी जो भी निश है उसके अंदर एक स्पेसिफिक कैटेगरी को लेना पड़ेगा। अगर हम अप्रैल की बात करें यानी कि कपड़ों की बात करें तो कपड़ों में भी आपके पास में मैन कैटेगरी में जाना है या वुमेन कैटेगरी में जाना है। अगर मैन कैटेगरी में जाते हैं उसमें भी बहुत सारी आपको मिल जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज, राइट। तो उसमें भी आप फॉर्मल में जाना चाहते हैं, प्रोफेशनल, जो भी आपको चाहिए। वैसे वुमेन्स के अंदर में भी आप पार्टी वेयर चाहिए है आपको, राइट, या फिर कैजुअल वेयर चाहिए है, तो वैसे में भी आप अलग से एक निश को सेलेक्ट कर सकते हैं ताकि आपका जो ऑडियंस है वो परफेक्टली बिल्ड हो सके। बी जो स्टेप है कैसे ऑडियंस तक हम पहुंच पाएंगे, कैसे ऑडियंस हम तक पहुंचेगी, तो पहला आपका आता है सोशल मीडिया प्रोफाइल, जहां पर लोग हैंग आउट करते हैं वहीं से हम अपनी ऑडियंस को बिल्ड कर सकते हैं। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया प्रोफाइल क्रिएशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां से आप जितनी ऑडियंस क्रिएट करना चाहते हैं क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको कुछ स्पेसिफिक चीजें जो है, टास्क जो है वो परफॉर्म करने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्रिएट कर दिया और ये सोच लें कि यार अब तो ऑडियंस नहीं आ रही है, तो उसके लिए भी एक प्रॉपर तरीका होता है काम करने के लिए। तो मैं आपको वो तरीके आने वाला जो एफिलिएट मार्केटिंग का प्रोग्राम है कोर्स
कोर्स है उसके अंदर पूरा डिटेल में ये सारी जो बातें बता रहा हूं इनको वन बाय वन करके जो है पूरी प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, जहां पे एक एक चीज के ऊपर मैं आपको डिटेल्ड में आपको वीडियो बना के देने वाला हूं। फिर उसके बाद में आपका आता है ऑडियंस, एक तो सोशल मीडिया से होगी, फिर अर्जन लाइक वेबसाइट लाइक क्वेरा, क्वेरा के ऊपर में क्या बहुत सारे लोग जो है अपनी प्रॉब्लम्स को लिख देते हैं कि दिस इज व्हाट इज माय प्रॉब्लम इज, तो आप उन लोगों की जो आपकी निश है उस कैटेगरी के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं या प्रॉब्लम्स जो रेज करी गई हैं उन प्रॉब्लम्स को आप आंसर कर सकते हैं। इसका भी तरीका मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको आंसर करना है और कुछ प्रैक्टिकल चीजें दिखाऊंगा कि ऐसा नहीं कि आप करोगे, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस पे काम कर रहे हैं और कितना स्पेसिफिक कितना डिटेल में काम करना होता है और वो आपको यहां पर मैं बताने वाला हूं आने वाले कोर्स के अंदर में। फिर आपका आता है वीडियो क्रिएशन, यानी कि वीडियो के माध्यम से भी आप ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं, आप शॉर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप लॉन्ग वीडियोस का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है ऑडियंस को बिल्ड करने का। फिर सेकंड स्टेप आता है ज्वाइन द एफिलिएट प्रोग्राम, राइट। सो पहले क्या करना है, आपको एक लिस्ट बनानी है जहां पर आप ये देखेंगे कि आपने जो निश सेलेक्ट करी है वो निश के अंदर कौन कौन से ऐसे एफिलिएट प्रोग्राम्स हैं जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे लिस्ट बनानी है डोंट वरी, आज का वीडियो सिर्फ ओवरऑल है, आगे आपको जो है पूरा एक प्लेलिस्ट मिलेगी उसके अंदर ये भी बताऊंगा कि बहुत आसानी से, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वेरी सिंपल, हम गूगल का ही इस्तेमाल करेंगे, पहले बता रहा हूं गूगल का ही इस्तेमाल करेंगे और उसका इस्तेमाल करके हम अपने निश के अंदर कौन कौन से ऐसे एफिलिएट प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं जिनको हम ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत आसानी से हमें वो सारी कंप्लीट लिस्ट मिल जाने वाली है। फिर आपका जो है एफिलिएट ज्वाइन करना है आपने, बट बहुत सारे ऐसे एफिलिएट प्रोग्राम्स होते हैं जिनपे आपको पहले कुछ रिक्वायरमेंट होती है, आपको उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना होता है तब जाकर ही आपकी प्रोफाइल का अप्रूवल हो पाता है। अब क्या क्या अप्रूवल्स की बात करें, एग्जांपल के लिए से फॉर एग्जांपल अगर मान लेते हैं होस्टिंगर है, तो होस्टिंगर जो है वो आप वेबसाइट को होस्टिंग के लिए प्लस डोमेन को परचेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो कि डिजिटल मार्केटिंग के कोरिलेशन में आ जाता है, उसको प्रमोट किया जा सकता है। अब ऐसे में होस्टिंगर की जो एफिलिएट प्रोग्राम है अगर उसको ज्वाइन करना है या तो आप उसके ऑलरेडी कस्टमर्स होने चाहिए तो आपको ऑप्शन मिल जाता है, अदरवाइज जो है आपको अप्लाई करना पड़ता है। अप्लाई के दौरान आपके पास वो देखता है कि ऑडियंस है या नहीं है। अब ऑडियंस कैसे क्रिएट करनी है और मिनिमम आपको वन मंथ तो देना पड़ेगा, एक महीने के अंदर आपको एक सफिशिएंट जो रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए जो ऑडियंस की रिक्वायरमेंट होती है उतनी आप आसानी से जनरेट कर सकते हैं। फिर आपका तीसरा स्टेप आता है प्रमोट प्रोडक्ट, अब प्रोडक्ट्स को प्रमोट कैसे करना है, राइट। सो बेसिकली आपको पहला जो ऑप्शन है दैट क्रिएट अ प्रोडक्ट बेस्ड वेबसाइट, यानी कि इट इज मैंडेटरी कि आपके पास में एक वेबसाइट होनी चाहिए, यानी कि आपके पास खुद का एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिसके जरिए आप एफिलिएट जो प्रोडक्ट्स हैं उनको आप प्रमोट कर सकें। सेकेंड आपका आता है क्रिएट योर यूट्यूब चैनल, आप यूट्यूब चैनल के जरिए भी जो है वीडियोस बनाने के माध्यम से भी जो है आप एफिलिएट प्रोग्राम जो है वो रन कर सकते हैं, उनको प्रमोट कर सकते हैं और आप जो है उससे अर्निंग कर सकते हैं। फिर चौथा जो स्टेप है दैट इज फॉलो गाइडलाइंस, फॉलो गाइडलाइन कहने का मतलब है आपको कुछ ऐसी मिस्टेक्स जो नहीं करनी है वो मैं आपको बताने वाला हूं, आपको क्या ऐसी मिस्टेक्स हैं जो नहीं करनी है। पहला आता है डू नॉट डायरेक्टली प्रमोट एफिलिएट मार्केटिंग लिंक्स ऑन सोशल मीडिया मार्केटिंग, बेसिकली सोशल जो मीडिया के आपके प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर में इट इज नॉट अलाउड कि आप डायरेक्टली जो एफिलिएट के जो आपके लिंक्स हैं वो डायरेक्टली आप पोस्ट नहीं कर सकते, विच इज अगेंस्ट द गाइडलाइन। बहुत लोग ये करते हैं, इसी वजह से उनका सोशल मीडिया भी बैन हो जाता है और उनका जो एफिलिएट प्रोग्राम है वो भी बंद कर दिया जाता है, डिसेबल कर दिया जाता है। तो ये टास्क हमें नहीं करना है। तो इसको करने का क्या तरीका है, आप एफिलिएट मार्केटिंग के जो भी लिंक्स हैं वो आप अपनी वेबसाइट पे पूरा उसका आर्टिकल लिखें, ब्लॉग लिखें और उसके अंदर उसके लिंक डालें और आपके उस ब्लॉग का जो लिंक है वो आप सोशल मीडिया पे डालें, दैट इज अलाउड, राइट। फिर दूसरा इसमें क्या है, डू नॉट रन पेड टारगेटिंग एड्स, जो आपके एफिलिएट प्रोग्राम्स हैं उनके लिंक्स को इस्तेमाल करके कोई भी पेड एड रन नहीं करनी,
यानी कि कई बार होता है, मैंने देखा है बहुत लोग, बहुत सारे यूट्यूबर क्या करते हैं, वो ये बता देते हैं कि आपको अगर सेल्स को बूस्ट करना है आप ज्वाइन करो एफिलिएट प्रोग्राम, और डायरेक्टली वहां से जो लिंक जनरेट हो रहा है और आप गूगल की एड या फेसबुक की एड या किसी एड बनाओ और उसके अंदर डायरेक्टली उसका लिंक डाल दो, विच इज अगेंस्ट द गाइडलाइन। अगेन यहाँ पे आपका जो अकाउंट है वो डिसेबल हो जाएगा और आपको सेल्स भी नहीं मिलने। तो ये कुछ ऐसी चीजें जो आपको नहीं करनी है, यानी कि पहला क्या बोला, डू नॉट डायरेक्टली प्रमोट एफिलिएट मार्केटिंग लिंक ऑन दी सोशल मीडिया, द सेकंड डू नॉट रन पेड एड्स टारगेटिंग एफिलिएट मार्केटिंग लिंक्स, यानी कि उसके अंदर कोई भी लिंक्स आपने नहीं डालने हैं। पेड मार्केटिंग करी जाती है, आगे बताएंगे हम पांचवें स्टेप के अंदर। अब बात कर रहे हैं कि अब इनिशियली आपने जो अपना काम करना स्टार्ट कर दिया, एफिलिएट प्रोग्राम पे काम करना स्टार्ट कर दिया, जो चीजें बताई जाएंगी आपने उसको फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, नाउ व्हाट विल हैपन इज कि अब आप उन सेल्स जो है उसको बूस्ट करना चाहते हैं। तो बूस्ट करने के लिए दो तरीके हैं, पहला है ऑर्गेनिकली। ऑर्गेनिकली अगर बूस्ट करेंगे तो डेफिनेटली इट विल टेक सम टाइम, लेकिन ये एक बहुत ही लॉन्ग टाइम तक आपको बेनिफिट दे सकता है, जिसके अंदर आपको ऑर्गेनिकली ग्रो करने के लिए आपका कंटेंट में अच्छा होना चाहिए, आपकी वेबसाइट बहुत फास्ट लोड होनी चाहिए, यानी कि उसके अंदर जो टेक्निकल एसईओ प्लस जो एसईओ की बात करते हैं वो आपको पता होना चाहिए। अब एसईओ का नॉलेज अगर नहीं होगा तो वेबसाइट बना भी लोगे तो भी आपको ट्रैफिक नहीं मिलने वाला है, यानी कि ऑर्गेनिकली उसको ग्रो करवाने के लिए आपको जो है एक बहुत लंबा समय लग जाता है। इसीलिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पेड मार्केटिंग में चले जाते हैं, यानी कि एफिलिएट मार्केटिंग का भी आप पेड में कर सकते हैं, लेकिन कैसे करेंगे। सो बेसिकली क्रिएट कंटेंट ऑन योर वेबसाइट एंड ड्राइव ट्रैफिक, आपका जो पेड एड है उसके जरिए आपने ट्रैफिक ड्राइव करना है, कहां पर, वेबसाइट के ऊपर में ट्रैफिक को लेकर आना है, और जब आपका वेबसाइट पे ट्रैफिक आएगा तो वहां पर उनको मल्टीपल आपके जो भी प्रोडक्ट्स हैं जिसके बारे में आपने पूरा डिटेल में ब्लॉग बना के रखा हुआ है वहां से वो सारी डिटेल्स लिखें और मेंशन जरूर करें कि ये जो हमारा ब्लॉग है इसके अंदर एफिलिएट लिंक जो है वो यहां पर अवेलेबल है। ये लिखना, जितना आप सच बोलोगे, जितना आप ओपन ट्रांसपेरेंट रहोगे एफिलिएट मार्केटिंग के केस में, उतना ही आपको बेनिफिट जो है वो मिल जाएगा, बिकॉज आप ऑलरेडी ऑडियंस को ये बता रहे हो कि आप अगर इससे बाय करते हो तो डेफिनेटली मुझे भी कुछ मिलेगा, राइट। तो ऐसे में ट्रांसपेरेंसी रखना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगेन आपको बता दूं कि ये कुछ ऐसे पांच स्टेप्स हैं जिसके बेसिस के ऊपर में आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपका जो एफिलिएट मार्केटिंग है वो सक्सेस होगा कि नहीं। अगर आप इसमें से एक भी स्टेप मिस कर जाते हैं तो देन इन दैट केस आपका एफिलिएट मार्केटिंग करियर जो है वो शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। एट द एंड मैं आपको यही बोलूंगा कि अगर आप इंटरनेट से पैसा कमाना चाहते हैं तो डे वन से अपने माइंड के अंदर पैसा कमाने के लिए ये काम कर रहे हैं, ये थॉट प्रोसेस बिल्कुल नहीं आना चाहिए। आप सिर्फ लोगों तक उनकी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्यूशन दे सकते हो वहां तक जो है आपने काम करना है, उसके लिए आपने स्मार्टली काम करना है, रिसर्च करनी होती है, उसके बाद में कंटेंट क्रिएट करना होता है और उसको प्रॉपर तरीके से पब्लिश करना होता है, एंड पब्लिश करने के बाद में उसके ऊपर में जो है हमें ऑप्टिमाइजेशन करना होता है, तब जाकर जो है ये काम हमारा जो एफिलिएट प्रोग्राम है वो रन करना स्टार्ट करता है। और एक बार जैसे जैसे आपकी जो नया डोमेन होगा तो डेफिनेटली उसका जो डीएपीए नहीं होता है, तो इसके बारे में भी हम आने वाले एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम के अंदर जो है पूरा का पूरा जो आपका एसईओ है वो कैसे करना चाहिए, क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, वो भी हम यहाँ पे आगे आने वाले वीडियो कोर्स के अंदर कवर अप करने वाले हैं। सो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, मैंने यहाँ पे सिर्फ आपको एक कंप्लीट रोड मैप दिया है कि अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग से सक्सेसफुली अपना पैसा कमाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जो है ये पांच स्टेप फॉलो करने होंगे, और आने वाले कोर्स के अंदर जो है मैं खुद भी कैसे इन स्टेप्स को फॉलो करता हूं, हर चीज को जो है पूरा प्रैक्टिकल चीजें मैं आपको दिखाने वाला हूं, सो दैट कि ईच एंड एवरी स्टेप जो आपको फॉलो करने हैं, जो मैं फॉलो करता हूं, वो भी आपको पता चल जाए। आई होप गाइज आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, और मैं अंत में एक बार और बता दूं कि एफिलिएट मार्केटिंग एक बार सक्सेस कर गया उसके बाद में आपको लाखों रुपया महीना जो है वो आसानी से
इनकम जनरेट हो सकती है। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे सेफ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर कर दें, और अगर नए हो चैनल पे और इस तरह के और डिजिटल मार्केटिंग के हर फील्ड से अगर आपको कोई भी नॉलेज की रिक्वायरमेंट है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल का आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। अगर आपका कोई भी सजेशन है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। फिर मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ, टिल देन स्टे सेफ, गुड बाय।